अब तक आपने देखा कि कैसे हम लोग ट्रैक कंप्लीट करते हुए तुंगनाथ टेंपल तक पहुंचे। अब आगे जैसे ही मैंने अपने आसपास ये दुकानें देखी, अचानक से अंदर ही अंदर एक आवाज़ जन्म लेने लगी। जैसे जैसे मैं मंदिर के पास आने लगा, वो आवाज़ मेरे अंतर मन से बाहर आने लगी। वो मंदिर की पहली सीढ़ी में पांव रखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और अब वो आवाज में बाहर आने से रोक नहीं पाया। ओम नमः शिवाय। शायद किसी ने सही कहा है, वही शून्य है, वही इकाई जिसके भीतर बसा शिवाय। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई है, गेट से बाहर तक इवन लाइन लगी हुई है, और गेट के बाहर ही जूते उतारने होते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं शूज़ वगैरह उतार लेता हूं, और मेरे ग्रुप के लोग भी आए हैं तो थोड़ा उनका वेट भी कर लेता हूं। सो गाइस, यह है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट शिवा टेम्पल, तुंगनाथ टेम्पल। जी मेरे साथ हैं, यहाँ पे पुजारी हैं, तो ये बताएंगे यहाँ पर कैसे मंदिर की स्थापना हुई और कैसे मंदिर बना। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ था तो पांडवों पर अपने गो वंश हत्या सब कुछ लगा था, उसके निवारण हेतु उन्होंने भगवान शिव कृष्ण से कहा कि इसका कोई उपाय है। भगवान शिव कृष्ण ने कहा कि आप शिव के पास जाए, शिव जी इसका निवारण कर सकते हैं। तो पांडव शिव जी उस टाइप जो है उत्तर हिमालय की ओर से, जिसको उत्तराखंड कहते हैं, भगवत केदारनाथ नामक स्थान पर जो है तब मस्जिद थे, तो पांडव उनको ढूंढना है वहाँ उत्तर हिमालय की ओर आए केदारनाथ नामक स्थान पर। तो वहाँ पर भगवान शिव उनको दर्शन देना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने भगवान शिव ने वहाँ पर भैंस का रूप धारण कर दिया हिमालय में, ये केदारनाथ तब तक केदारनाथ नहीं था, वो केदारनाथ नाम था। वहाँ पर भगवान शिव ने जो है भैंस का रूप धारण करे, और अपनी माया से इतने भैंस बनाए कि उनको पता ही नहीं चल पाना उनको कौन सा शिव जी के हैं। तो फिर वो भगवान शिव कृष्ण को पूछते हैं, महाराज क्या होगा? तो भगवान शिव ने कहा भाई, भगवान भीम को कहा कि आप अपना विशाल रूप धारण करो, और जो मीन रास्ता है उस पर खड़े हो जाओ, जो भी नकली भैंस होंगी वो तो अंदर से ले जाएंगे, और भगवान शिव जो है वो तो आपके टांग के नीचे से जाएंगे नहीं। तो भगवान शिव को अब लगा कि अब ये पकड़ने वाले हैं, वो वहाँ पर टूटने बैठ गए। तो केदार होता है कि केदार संस्कृत का शब्द है, के वन जल होता है। तो जो है शिव जी डूबने बैठ गए, तो भीम ने देख लिया कि शिव जी डूब गए हैं, उन्होंने पीछे से पकड़ लिया पिष्ट पाक। अच्छा, तो जो है पिष्ट पाक पकड़ा, जो है आकाशवाणी होती है, तुमको दर्शन तो नहीं दे सकता, मगर इस उत्तर हिमालय में उत्तराखंड क्षेत्र में माँ शिवलिंग बन गए हैं, तो माँ शिवलिंग की पूजा करो, अर्चना करो, और बद्रीनाथ जाके आपको प्राप्त हो जाएंगे, उससे छुटकारा मिल जाएगा। जो हाँ, जो पाप लगा था उससे वो मोक्ष हो या प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर केदार, पांच केदार हुए थे, पंच केदार की स्थापना वहीं पर हुई। वहाँ पर उन्होंने जो है पहला केदारनाथ जहाँ पिछवा की पूजा होती है, दूसरा मधुमेश्वर, सेकंड द्वितीय केदार मधुमेश्वर है जहाँ पर नाभि क्षेत्र की पूजा होती है, तृतीय केदार तुंगनाथ है जहाँ पर हृदय और बाहु की पूजा होती है, हृदय और बाहु, और चतुर्थ केदार जो है मधुमेश्वर है, ये रुद्रनाथ, वहाँ पर आँखें और ललाट की पूजा होती है, और पांचवा केदार जो है कल्पेश्वर है जहाँ पर जटा की पूजा होती है। तो पंच केदार मिलकर एक ज्योतिर्लिंग बनता है, ठीक है ना? अगर पंच केदार पूजा करके और उसके बाद पर ना जाओ तो मोक्ष के प्राप्त हो जाता है। जय हो भोलेनाथ की, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सो गाइस, ये स्टोरी पंच केदार की, कैसे पंच केदार की स्थापना हुई। तो आप लोग आते हो तो ज़रूर पूरे दर्शन करके जाएं, और मई के महीने में यहाँ पर मई जून में द्वार खुल जाता है, मई में कपाट खुल जाते हैं, और अक्टूबर दीपावली के आसपास जो है बंद हो जाते हैं।
तो मई में खुल जाते हैं कपाट, तो आप लोग आके यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, बट अक्टूबर के बाद यहाँ पे कपाट बंद हो जाते हैं दीपावली के आसपास, तो उस टाइम यहाँ पे लोग आते हैं फिर भी देखने के लिए, बट मंदिर खुलता नहीं है। सो गाइस हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और हम लोगों ने फोटोग्राफी करके हम लोग निकल रहे हैं चंद्रशिला की ओर, और रास्ता जो है चंद्रशिला का जस्ट टेम्पल के पीछे से जाता है, यहाँ से कच्चा रास्ता है। सो गाइस थोड़ा सा हमने ट्रैक ऊपर कर लिया है और यहाँ पे काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, अगर वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी तो आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। और ट्रैक चंद्रशिला का जो स्टार्ट होता है वो पथरीला है थोड़ा सा, और थोड़ी सी चढ़ाई भी है, और यहाँ से एक अमेजिंग व्यू आ रहा है। और यहाँ पर हम लोग एक मिनट के लिए रुके हैं, एक मिनट का हॉल्ट लिया है ताकि फोटोग्राफी वगैरह कर ले, और मैं आपको यहाँ से व्यूज़ दिखाता हूँ कितना अमेजिंग व्यू आ रहा है। चंद्रशिला सामने, सो ये बेसिकली ऐसी ट्रेल्स हैं यहाँ पे, सारे लोगों को ऐसे आना पड़ता है। हालांकि मुझे लग रहा था कि काफ़ी लंबा ट्रैक होगा या फिर काफ़ी कठिन होगा, कोई भी आ सकता है इजीली। आई होप कि क्लाउड्स हट जाएं जल्दी, बिकॉज तभी व्यू देख पाएंगे हम अच्छा। सो गाइज दिस इज़ चंद्रशिला पीक, यहाँ पे पीक में एक टेम्पल है गंगा धाम। सो गाइस फाइनली हम चंद्रशिला पीक पे पहुंच चुके हैं और काफ़ी क्राउडेड है, मज़ा नहीं आ रहा है एकदम, और ऊपर से क्लाउड्स इतने लगे हुए हैं कि कुछ भी विजिबल नहीं है, बट इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस बिकॉज यहाँ से सीनरी काफ़ी अच्छी दिख रही है, व्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं एज यू कैन सी, हालांकि सारे क्लाउड से ढका हुआ है अभी, इतनी क्लियर विजिबिलिटी नहीं है। सो बेसिकली उधर साइड जो सामने आपको पीक दिख रहा है, लेट मी जूम अ बिट, ये केदारनाथ केदारनाथ का पीक है, और इधर त्रिशूल पर्वत है, और इधर नंदा देवी ग्लेशियर है, और बाकी तो विजिबल ही नहीं हो रहा है यहाँ से कुछ भी। आगे साइड से नीचे उतर रहे हैं बिकॉज वेदर एकदम चेंज हो गया है, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है बहुत तेज। ये है ट्रैक चंद्रशिला तक आने का, नीचे से जो आप देख रहे हैं ये पूरी ट्रेल्स चढ़ के ऊपर आनी पड़ती है। सो इसी के साथ यहाँ पर चंद्रशिला का ट्रैक हमारा होता है ख़त्म, और काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी टाइम स्पेंड किया यहाँ पे, मेडिटेट किया, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर कुछ भी क्वेरीज या सजेशन हैं वीडियो से रिलेटेड या इस ट्रैक से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हैं आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं जस्ट कॉमेंट डाउन बिलो। क्लाउड्स इतने ज़्यादा थे कि हमें एक प्रॉपर व्यू नहीं मिल पाया, बट स्टिल आना फन था, यहाँ पे काफ़ी मज़ा आया, एक अलग वाइब्रेशन है ऊपर पीक में आके आप अगर बैठते हो, काफ़ी अच्छे थॉट्स आते हैं। सो अगर कभी भी आप तुंगनाथ टेम्पल तक आ रहे हैं तो चंद्रशिला पीक ज़रूर क्लाइम कीजिए, एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, अगर आप लकी रहे तो आपको बहुत अच्छा व्यू भी देखने को मिल सकता है, और अगर आप विंटर्स में आ रहे हैं जब स्नो रहती है तब तो फिर तो स्वर्ग है, सीरियसली इट्स लाइक अ हेवन एट दैट टाइम, बिकॉज यहाँ से सारे ग्लेशियर्स दिखते हैं। तो भाई चलते चलते मुझे यहाँ पे बहुत सारे नए दोस्त मिले हैं, और उनमें से एक भाई का बर्थडे है, क्या नाम है आपका? नीरज नेगी। नीरज नेगी जी आए हैं यहाँ पे रुद्रप्रयाग से, हैप्पी बर्थडे यार, और इनके बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ पे आए हुए हैं, और इन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प करी बिकॉज मुझे पता नहीं था रुद्रप्रयाग से अगर यहाँ आना हो तो कन्वेंस क्या होता है, कैसे आना होता है। तो अगर आप रुद्रप्रयाग तक बस से आते हो डेली से तो रुद्रप्रयाग से आपको टैक्सी बुक कर सकते हो, अराउंड 3000 के आसपास लेते हैं टाटा सुमो में, और उसमें 12 लोग आ जाते हैं तो काफ़ी अच्छा है, अगर आपका ग्रुप बड़ा है तो आप अपने आप बुक करके आ सकते हो। तो आप लोगों को मज़ा आ रहा है यहाँ पे? तो दोस्तों बातों बातों में हमें पता लगा कि ये लोग काफी टैलेंटेड हैं, क्या स्कूल जाते हो कॉलेज करते हो? प्लस टू वाले हैं ऑलमोस्ट सारे, और एक भाई हमारा, क्या नाम है आपका?
राहुल भाई है यहाँ पे एक क्या नाम पेज का, पेज का वो लव टीवी, लव टीवी करके एक इंस्टाग्राम पेज चलाते हैं जहाँ पे कूल कूल फोटोग्राफ्स डालते हैं टिहरी गढ़वाल की। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो माउंटेन्स और टिहरी गढ़वाल और उत्तराखंड की फोटोज देखने के लिए, आप उनका इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो। साथ साथ में मेरा भी कर लेना, माउंटेन व्हीलर नाम से है। तो जिस चीज़ के लिए फेमस है, वेदर यहाँ बहुत फास्ट चेंज होता है और बारिश होना शुरू हो चुका है। सारे लोगों ने अपने रेनकोट निकाल लिया है जिनके पास है, और आई होप कि हम पहले पहुँच जाएँ तेज बारिश से, ताकि सेफली सारे लोग नीचे तक पहुँच जाएँ। कुछ लोगों के पास रेनकोट नहीं है, बट स्टिल वी होप वो ना भीगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भाई जी का चैनल। भाई फेमस होने चाहिए। जय बोले, जय बोले।